हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गर्मियों का मौसम है और आइसक्रीम तो हर किसी के घर में बनती है, पर जब आइसक्रीम बहुत ही हेल्दी वे में बनाई जाए और वो भी फ्रेश टेंडर कोकोनट के साथ, तो उसका मज़ा और भी दुगना हो जाता है। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने नेस्ले का मिल्क मेड इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क मेड स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नारियल पानी के बाद जो हमारी नारियल की मलाई बचती है उसी से इस आइसक्रीम को बनाने की कोशिश की है। आधा कप के करीब चीनी का इस्तेमाल किया है, मिल्क मेड है और हमारी जो नॉन विपिंग क्रीम होती है उसका इस्तेमाल किया है। साथ में थोड़े से रोज़ पेटल्स दिए हैं। सबसे पहले हम इसे अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे, जो हमारा टेंडर कोकोनट है इसे हम अच्छे से चाकू या चम्मच की सहायता से स्क्रैप कर लेंगे इस तरह से टुकड़े। ये जो टेंडर कोकोनट की जो मलाई होती है ये सॉफ्ट भी होती है और थोड़ी सी इस तरह से गोले की तरह भी होती है, तो आपके पास जिस भी तरह की हो आप उसे ले लीजिए। थोड़े से पोर्शन के लिए हम उसे अलग कर देंगे, जिसमें हम ग्रैनुलर से उसे काट लेंगे और बाकी पार्ट को हम चीनी के साथ मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आपका ये आप इसे अच्छे से ना पीस पाए तो इसमें थोड़ा सा नारियल का पानी भी डाल सकते हैं। बाकी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, क्योंकि जब हम इसको आइसक्रीम के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है जब इसके चंक्स हमारे मुँह में आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे काट लिया है और इसे मैं एक तरफ रख दूँगी। अब मैंने एक ठंडा किया हुआ कांच का बोल लिया था और हमारे का जो ब्लेड्स हैं उसे भी अच्छे से ठंडा कर लिया था, और यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब हमारी व्हिपिंग क्रीम लूँगी और इस तरह के ब्लेड से इसे पहले लो स्पीड में और उसके बाद हाई स्पीड पे इसको हम व्हिप कर लेंगे। ये बहुत आसानी से हो जाती है। इसके लिए हमें 5 से 7 मिनट का समय लगता है। कभी कभी क्रीम के अकॉर्डिंग भी हमें टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, पर नॉर्मली 5 से 7 मिनट के अंदर इसके अंदर पीक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसे अच्छे से चलाते हुए यहाँ पर इस क्रीम को व्हिप कर रही हूँ और देखिए ये फ्रॉथी होने लग गया है और ये इस तरह से हो गया है। अब इस स्टेज पर हम हमारा नेस्ले का मिल्क मेड इसके अंदर डालेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं बहुत ही रिच और टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बना रही हूँ और ये नॉन कुकिंग वाली रेसिपी है, इसमें हमने किसी भी तरह की गैस नहीं चलानी है। तो मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और एक बार इसको हम चलाकर छोड़ देंगे, और जो हमने हमारा कोकोनट को ग्राइंड करके रखा था चीनी के साथ वो अब हम इसके अंदर इसका प्योरे डाल देंगे और इसे फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एकदम फ्लफी सा एक हमें बैटर मिल गया है, ये आइसक्रीम का ही है। और अभी हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से घुमाते रहेंगे और देखिए इस तरह से हो गया है काढ़ा। अब हम इसके अंदर हमारे कोकोनट के चंक्स को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। याद रखिए कि आइसक्रीम को हमेशा एक ही डायरेक्शन में आप घुमाएँ, कटन फोल मेथड से करें। अब हमने यहाँ पर एक एयरटाइट कंटेनर ले लिया है, जिसके अंदर हम हमारी आइसक्रीम को फिल कर देंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए कितना फ्रॉथी और इतना फ्लफी हमारी आइसक्रीम बनी है, और जब ये सेट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे प्लेस कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे फ्रेश रोज़ के पेटल्स लिए हैं, जिसका स्वाद इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें गुलकंद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसे बंद कर एयरटाइट कंटेनर में भर देंगे। तो लीजिए, पेश है हमारी टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए मैं इसको अब 4 घंटे के बाद इसको लेके आई हूँ और हम इसको मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाली होती है, और आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार इसे बनाएंगे और रह नहीं पाएंगे। तो देखिए बन गई है हमारी टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। और यहाँ पर मैं कुछ हमारे ड्राई रोज पेटल्स को डाल रही हूँ और मैगी के साथ, ये हमारी मिल्क मेड के साथ ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। तो मिल्क मेड ने कर दिया है कमाल और हमारी आइसक्रीम बहुत जल्दी से रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें।